बीजेपी में गुटबाजी का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं गुटबाजी को लेकर, और आज इसे लेकर पूरी तरह से मुखर हो चुके हैं पूर्व विधानसभा जो अध्यक्ष हैं कैलाश मेघवाल, वो मुखर हो गए हैं, उन्होंने कुछ बड़े आरोप बीजेपी पे लगाए हैं, उनसे चलिए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जो अर्जुन राम मेघवाल जी थे उनसे आपकी लंबी एक तकरार हुई थी, किस तरह के क्या आरोप हैं आपके? उनको लेकर मेरे आरोप अपने व्यक्तिगत नहीं है, न मेरी किसी व्यक्तिगत आरोप लगाने की आदत है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जब से नौकरी में आए तब से भ्रष्टाचार किया, और जब इनका क्रमोन्नत हुए IAS में तो उस समय इनके खिलाफ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पे मुकदमा था, वो उनका प्रमोशन रुका, फिर उन्होंने वो आरोप ड्रॉप करवाया सिफारिश करके, तब उनका प्रमोशन हुआ, और कलेक्टर बनने के बाद उन्होंने जो है दो स्कैंडल कर डाले, एक तो फौजियों की विधवाओं के लिए जमीन थी उसको इर्द गिर्द कर दिया, इधर उधर कर दिया पैसे खा खा के, और एक वहाँ जो रणसी दर जो खाने थी उनको अनियमित अलॉट कर दिया। ये जो दोनों प्रकरण रजिस्टर हुए उसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, तो उनसे बचाव के लिए राजनीति में घुस गए। अब मानते हैं कि कानून मंत्री बन गए तो इस पोस्ट का गलत उपयोग कर, वो अपने अधिकार का गलत प्रयोग करने का आदी है और करता रहा है, करेगा वो भी बचाव के लिए हर जगह। आपने गुटबाजी की बात बीजेपी के अंदर राजस्थान में की है, इससे पहले आप लंबे समय से, आपको राजनीति का अनुभव है राजस्थान के अंदर, बीजेपी में आप लंबे समय से सक्रिय भी रहे, आपको लगता है इससे पहले कभी गुटबाजी रही थी बीजेपी के अंदर? ऐसा है कि गुटबाजी है सच, वो अभी पनपी, बाकी आपस में छोटे मोटे मतभेद बने रहते हैं, वो आपस में बैठ के कटुता तक और शत्रुता तक नहीं आते, एक दूसरे को नीचा गिराने की स्थिति में नहीं आते। भैरव सिंह शेखावत थे वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वसुंधरा राजे जी को कमान यहाँ पर जो है वसुंधरा राजे को कमान मुख्यमंत्री की सौंपी गई थी, लेकिन अब उन पर उनको दरकिनार करने का आरोप भी लगातार आप लगा रहे हैं। किनको? वसुंधरा राजे जी को दरकिनार करने कर रहे हैं ना, लगातार कर रहे हैं, अब वो क्यों बर्दाश्त कर रही है तो वो जाने, उसके हर फंक्शन में कानाफूसी होती है कि इसके साथ नहीं बैठना है, नहीं उठना है, ये करना है। आपकी कभी चर्चा हुई इस पूरे मामले को लेकर वसुंधरा जी से? मेरी नहीं हुई, अभी नहीं। आप चुनाव को लेकर बात करेंगे, चुनावी माहौल है, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर राजस्थान में चुनाव होने, अब किस तरह की भूमिका आप चुनाव के अंदर अपनी देखते हैं? मेरी भूमिका अब तय की जाएगी, निष्कासन आज हुआ है, इसके बारे में सोचा ही नहीं, आप सोचेंगे। उस बीच में जब अर्जुन राम मेघवाल जी से जब आपके विवाद चल रहे थे, तो इसी बीच आपने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं उनकी भी तारीफ की थी, तो क्या मान सकते हैं कि इसको लेकर जो पार्टी ने है उसके बाद कोई बड़ा कदम उठाया? अरे ये बातें जो आप पूछ रहे हो ना, मैंने कहा कि तारीफ करना कोई बुरा है क्या अच्छे काम की है? और ये अच्छे काम की तारीफ करना कोई कारण बनता है क्या? इससे पहले कांग्रेस में देखा जाता था, बीजेपी में ये धरा शुरू हो चुका है। बीजेपी में गुटबाजी भयंकर रूप से फैली हुई है, इसी का कारण आपको सामने दे, राष्ट्रीय सारी हिंदुस्तान की सरकार के मंत्रियों को यहाँ क्यों आना पड़ रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी और उनकी सारी जो है पदाधिकारी को क्यों आना पड़ रहा है? ये इसीलिए आना पड़ रहा है कि यह गुटबाजी इतनी तेज है कि वो उनसे क्षेत्र संभल नहीं रहा। आपको ये लगता है कि परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकाल रही थी, कहीं ना कहीं आपकी भी अनदेखी उसके अंदर हुई है, उसके बाद आप मैदान में उतरे हैं? हुई है ना, अनदेखी मेरी लगातार हो रही, मुझे जीरो कर दिया पार्टी ने, इन गुट्टी देता उन्हें। कौन है गुट्टी नेता, ऐसे कौन है गुटबाजी का गुट्टी नेता? ये है आपके सतीश जी है, राजेंद्र जी है, आपके CP जोशी है, ये जो प्रमुख बने हुए हैं। है कि अगर वसुंधरा राजे अगर मैदान में नहीं होती है तो बीजेपी की स्थिति किस तरह देखते हैं चुनाव? ये मैं नहीं कह सकता, भविष्यता नहीं। आपने केंद्रीय नेतृत्व से भी बात की, इसे लेकर आपने एक पत्र भी प्रधानमंत्री जी को लिखा था? मैंने केंद्रीय नेतृत्व से किसी तरह की बात नहीं की, सिवाय इसके कि मैंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को। कुछ आरोप किसी तरह के, कुछ अपनी बात कहने की? नहीं, मैंने बात नहीं की, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है, और नहीं आने के पहले ही मुझे निकाल दिया था, सोची समझी चाल थी कि निकालना है मुझे, ये तो जवाब की इंतजार कर रहे थे। और
अब राजनीति में बने रहेंगे या फिर पर्दे के पीछे भूमिका निभाएंगे? नहीं नहीं, राजनीति में आगे से निभाएंगे भूमिका, राजनीति में बने रहेंगे। मैं पर्दे के पीछे का खेल करने वालों में नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कैलाश मेघवाल जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी बात यहाँ पर कही है और बताया है कि किस तरह से पार्टी में इस समय गुटबाजी है और किन कारणों के चलते उन्हें निष्कासित किया गया है। इन सभी बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। कैमरामैन देवेंद्र सैनी के साथ आदित्य आत्रे, द नगरी न्यूज़।